This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. प्रभु कह रहे हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ. Behold, I will do a new thing. आपको देखकर ही कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तेरे लिए नया कार्य करूँगा. एक नए आशीर्वाद का वचन देता हूँ, तेरे लिए एक नया मार्ग बनाऊंगा. तू एक नई भलाई देख पाएगा. मैं तेरे जीवन में नए नए कार्य करने वाला हूँ. मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है. इस महीने के लिए परमेश्वर के समूह में आज जब प्रार्थना कर रहा था, तो उन्होंने आपके लिए जो कहा वो बहुत ही अद्भुत था, और वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. यशाया 43वां अध्याय 18 और 19वां वचन. अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ. देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा. प्रभु कह रहे हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ. Behold, I will do a new thing. आपको देखकर ही कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तेरे लिए नया कार्य करूंगा. एक नए आशीर्वाद का वचन देता हूँ, तेरे लिए एक नया मार्ग बनाऊंगा. तू एक नई भलाई देख पाएगा. मैं तेरे जीवन में नए नए कार्य करने वाला हूँ. हमारे प्रभु रोज नई नई कृपा प्रदान करते हैं. पूरे साल हम पर नई नई कृपा प्रदान करते हैं. उनकी कृपा हमारे लिए नई होती है. प्रभु की स्तुति हो. जब आप पवित्र शास्त्र में प्रभु की क्रियाएं पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे हर क्रिया नई प्रकार की क्रिया है. हर क्रिया एक जैसी नहीं रहती है. यीशु जब संसार में थे उन दिनों, प्रभु के किए चमत्कारों को देखें, हर किसी के लिए एक जैसा चमत्कार नहीं किया. जब एक दृष्टिहीन को देखा, तो उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसकी दृष्टि लौटाई, और एक बार एक को देखकर कहते हैं, कीचड़ लगाकर कुंड में धो ले, तेरी दृष्टि लौट आएगी, ऐसा कहते हैं. एक को कहते हैं, तेरे विश्वास से तू चंगा हो जाएगा, और उसकी दृष्टि लौट आती है. एक ही चमत्कार अलग अलग ढंग से प्रभु करते हैं, क्योंकि वो नए कार्य करने वाले परमेश्वर हैं. आपने अपने जीवन में आज तक जो नए कार्य नहीं देखे, वो प्रभु इस महीने करने वाले हैं. आप विश्वास रखते हैं कि प्रभु मेरे लिए नए नए कार्य करने वाले हैं? प्रभु कौन से नए कार्य करने वाले हैं, वो भी प्रभु बता रहे हैं. देखिए, सबसे पहले मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा. ये सबसे पहला नया कार्य है जो प्रभु करेंगे. आई विल मेक ए वे इन द डेजर्ट. सहारा में एक मार्ग बनाऊंगा. सहारा का अर्थ क्या है? सहारा यानी जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी, वहां तक कोई मार्ग नहीं होगा. किस तरफ जाना है पता नहीं चलेगा. कई बार कुछ लोगों के चलने के निशान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर सहारा में जब निकलते हैं, तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है. वैसी परिस्थिति में जहाँ कोई मार्ग नहीं है, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा. यही प्रभु कह रहे हैं, वेयर देर इज नो वे आई विल मेक ए वे. जहाँ कोई मार्ग नहीं, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा. आज आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई में, नौकरी में, आपका व्यापार, परिवार के कार्य में, जहाँ कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ऐसा लगता है जैसे घने जंगल में भटक रहे हैं, जैसे किसी घने सहारा में खड़े हों, किस तरफ जाना है समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके लिए प्रभु एक नया कार्य करने वाले हैं. आपके लिए नया मार्ग खुलने वाला है. नया मार्ग खोल कर वो आपको चलाने वाले हैं. यही चमत्कार प्रभु आपके लिए करने वाले हैं. मैं एक बार दुबई में सेवकाई के लिए गया हुआ था, आज से कई साल पहले. तब वहाँ एक भाई से मेरी मुलाकात हुई. यीशु के ऊपर वो बहुत ही प्रेम रखते थे. नौकरी के बाद बाकी समय में वो सेवा कार्य करते थे, प्रभु की महिमा करते थे. ये मैंने खुद देखा. यीशु के ऊपर इतना सारा प्रेम क्यों?
प्रभु के लिए इतना बैरागी बनकर सेवा क्यों कर रहे हैं? सब लोग हफ्ते में एक दिन चर्च जाते हैं, जाके प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, कर्तव्य पूरा हुआ आ जाते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। यीशु के लिए और क्या करना है बोल के उत्तेजित रहता है। इसलिए मैंने जानकारी ली, तब अपने जीवन में घटी एक घटना के बारे में उसने बताया कि कई साल पहले नौकरी की तलाश में दुबई आया। तब टेम्परेरी वीजा दिया जाता था 3 महीनों के लिए। अपने किसी दोस्त की मदद से वो दुबई पहुंच जाता है। 3 महीने में नौकरी ढूंढकर नौकरी लग जाए तो आप दुबई में रह सकते हैं, लेकिन 3 महीने में नौकरी न मिले तो वापस लौटना पड़ेगा। बस इतना ही, वीजा खत्म हो जाएगा। तो वो बड़ी उम्मीद लेकर गया था कि प्रभु 3 महीने में नौकरी दिला देंगे बोलकर। प्रार्थना कर कर के कई नौकरियों की उसने कोशिश की, कई सारे इंटरव्यूज दिए, लेकिन कोई मार्ग नहीं खुला। और ऐसे ही 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना भी बीत गया, तीसरा महीना खत्म होने में बस 3 दिन ही बचे। अब रेगिस्तान में खड़े रहने जैसी परिस्थिति, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। अगर ये 3 दिनों में कोई नौकरी नहीं मिली तो वापस इंडिया चले जाना होगा। वहां जाकर क्या करूं, मेरा जीवन एकदम शून्य बन गया है, कोई मार्ग न खुलने जैसी परिस्थिति। ऐसा सोच के जब उदास था तो आखिर में कोशिश फिर करता हूँ, ऐसा बोल के एमरेट एयरलाइंस है ना, जो दुबई एमरेट एयरलाइंस, वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग, बाहर से देखने में ही इतनी खूबसूरत और बहुत ही भव्य बिल्डिंग है वो। ये सोचता है कि वहां जाके एक एप्लीकेशन देता हूँ। वो सीधा ऑफिस में जाता है तो ऑफिस जो है वो कहते हैं ना कि एकदम स्वर्ग की तरह है, वैसे बहुत ही सुंदर ऑफिस था। वो जाकर अपनी एप्लीकेशन देता है, देकर जब वो बाहर निकलता है तो वो उस बिल्डिंग को देखता है, दहलीज पे खड़े रहकर देखता है। प्रभु कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये और कितना सुंदर ऑफिस है, क्या मुझे इसमें कोई काम नहीं दिला सकते? तुम कर सकते हो। उसके पास 3 दिन ही बचे हैं वीजा खत्म होने के लिए, और एक तरफ वो कह रहा है कि नौकरी मिल भी गई तो उसके पेपर्स वगैरह के प्रोसेस में कई दिन लग जाएंगे और इस बीच वीजा खत्म हो जाएगा। हर तरफ से संकट, ऐसा लगता है जैसे मार्ग रुक गया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन विश्वास के साथ सीढ़ियों पर ही प्रार्थना की कि इस ऑफिस में मुझे एक नौकरी दिलाओ प्रभु, मैं तुम्हारी महिमा करूंगा। क्यों मुझे नौकरी नहीं दिला सकते? यहाँ पर कितने ही लोग काम कर रहे हैं, मैं तुम्हारी संतान हूँ ना, सर्व लोक के तुम परमेश्वर हो ना, मुझे क्यों नौकरी नहीं दिला सकते, मुझे दिलाओ। ऐसा बोलकर वहाँ सीढ़ियों पर मैं प्रार्थना कर रहा था। अगले दिन ही उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया और अगले दिन ही वो तुरंत गया, एक इंटरव्यू अटेंड किया और इंटरव्यू सक्सेस, उसका सिलेक्शन हो गया। अब एक ही दिन बचा है, यही अगली समस्या है। एक ही दिन है और वीसा खत्म हो जाएगा, तब वहाँ रह नहीं सकते, वीसा के प्रोसेस में कई दिन लग जाते हैं। नौकरी मिल गई है और नौकरी ज्वाइन करने में कुछ प्रोसेस होते हैं, कई दिन लगेंगे। इस बीच सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? इसने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन वीसा में मेरे पास एक ही दिन बचा है, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, तो उन्होंने कहा, डोंट वरी, वी विल टेक केयर, वो सब हम देख लेंगे, वीसा का जो भी काम काज है हम देख लेंगे, तुम बस आके नौकरी ज्वाइन करो, बोलकर भेज दिया। कितना बड़ा चमत्कार है ना, प्रभु ने उसी ऑफिस में नौकरी दिलाकर नौकरी करने के लिए कितना बड़ा अद्भुत चमत्कार किया। जहाँ कोई मार्ग नहीं वहाँ मार्ग खोलने वाले परमेश्वर, जंगल में मार्ग बनाने वाले परमेश्वर। उन्होंने बहुत आश्चर्य होकर कहा कि मैंने प्रभु से मन्नत मांगी और प्रभु ने आश्चर्य रूप से मार्ग खोला और आज उस ऑफिस में मैं नौकरी कर रहा हूँ। इसीलिए यीशु पर मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं, मेरे से जितनी सेवा हो सकेगी मैं करूँगा, ऐसा उसने कहा। मेरे प्रिय मित्रों, नौकरी के लिए कोई मार्ग नहीं, ना मैं किसी MLA को जानता हूँ। मंत्री लोग कमीशन मांगते हैं या कोई जान पहचान का है क्या ऐसा पूछते हैं, कोई नहीं है ऐसा आप सोच रहे हैं। इन मिनिस्टर्स को बनाने वाले भी प्रभु हैं, क्या उन्हें आप नहीं जानते? वही तो वचन दे रहे हैं कि मैं तेरे लिए नए कार्य करूँगा, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, जहाँ कोई मार्ग नहीं वहाँ मैं तेरे लिए मार्ग खोलूंगा, प्रभु कह रहे हैं। जहाँ कोई नौकरी नहीं वहाँ आपके लिए वो नौकरी पैदा करेंगे। दूसरा जो है, प्रभु का दूसरा कार्य क्या है, जरा आप वचन में देखें। जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि आई विल मेक द रिवर इन द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में मैं नदियां बहाऊंगा। रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ रेत में क्या होगा, सब तरफ रेत ही रेत दिखेगी। कभी आपने रेगिस्तान देखा है?
मैंने देखा है, जब मैं दुबई देश में गया हुआ था तो वहाँ अरब देश का रेगिस्तान, वहाँ का रेगिस्तान भी मैंने देखा है और जंगल भी देखा है। रेगिस्तान में जहाँ देखो रेत ही रेत, रेत के बड़े बड़े टीले दिखाई देंगे, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे स्थान में नदियाँ बहाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ये क्या, थोड़ा सा पानी मिले वही काफी है? हर प्रभु नदियाँ बहाने की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यह असंभव है, ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु चमत्कार करते हैं और वहीं पर प्रभु श्रेष्ठता दर्शाते हैं। वही तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यीशु कर सकते हैं, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर हैं। पूरे जगत की उन्होंने सृष्टि की, उन्होंने सब कुछ अपने अधिकार में रखा है। वो परमेश्वर हैं, सिंहासन पर गंभीर रूप से विराजमान सर्वाधिपति। ऐसा कौन सा कार्य है जो वो कर नहीं सकते? आप पवित्र शास्त्र में एक घटना के विषय में पढ़ेंगे तो बहुत ही आश्चर्य होगा। राजाओं का दूसरा भाग का तीसरा अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें यहूदा के राजा, इसराइल के राजा और एदोम के राजा तीनों मिलकर युद्ध के लिए निकलते हैं, मोआब के विरोध में युद्ध करने निकलते हैं। तीन देशों के राजा मिलकर, यानी तीन देशों की सेनाएं, तो उसमें कितने हजारों लोग होंगे सोच कर देखिए। वो युद्ध करने जाते हैं और वहाँ पानी नहीं है। जहाँ वो पहुँचे वहाँ पानी नहीं है, चारों तरफ रेत ही रेत है, रेगिस्तान है, पानी नहीं है। पानी ढूंढते हैं, पानी नहीं मिलता है, सब पानी के लिए तरस जाते हैं। थोड़ी देर और ऐसा ही रहा तो बिना पानी के बेहोश हो जाएंगे, फिर युद्ध कैसे कर पाएंगे? एक संकट की परिस्थिति, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। तो इनमें से कोई यहोवा का भविष्योद्वक्ता है क्या? ऐसा यहूदा देश का राजा यहोशापात से कहता है। तब एलिशा नाम के भविष्योद्वक्ता को लेकर आते हैं और जब वो आता है तब यहोवा की शक्ति एलिशा पर हुई और वह यहोवा की दीर्घदर्शी बताता है। राजाओं का दूसरा भाग तीसरा अध्याय 16 और 17वां वचन, और उसने कहा, इस नाले में तुम इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। अरे यहाँ देखो, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, और नाला खोदने से क्या पानी निकलेगा? ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम नाला खोदो, जो काम दिया है वो करो। ना तुम वायु देख पाओगे और ना ही वर्षा होगी। ठंडी हवा चल रही है, अब बारिश होगी, वैसी परिस्थिति नहीं है। ना वायु देख पाओगे और ना ही वर्षा होगी, लेकिन पानी से ये नाले भर जाएंगे। और ये यहोवा के लिए छोटी सी बात है। आप सोच सकते हैं कि ये बेकार का काम है, ये रेगिस्तान है, पानी कहाँ से निकलेगा? ठीक है, कुछ भी करके मेहनत करके नाले खोद देंगे, पर पानी कहाँ से आएगा? दूर दूर तक बारिश के बादल नहीं है, तो फिर कैसे? यही तो प्रभु कह रहे हैं, तुम ना वायु देख पाओगे और ना ही वर्षा होगी, लेकिन नाले पानी से भर जाएंगे। बस इतना ही, तुम्हें जो कहा है वो तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। नया कार्य, न्यू थिंग, ये न हो पाने वाला कार्य। सोच कर देखिए, इस बात पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये क्या, चारों तरफ रेत है, यहाँ नाले खोदेंगे तो वो पानी से भला कैसे भर जाएंगे? तीन तीन सेनाएं और घोड़े और पशु, सबको पानी चाहिए, तो इन सब के लिए पानी मैं दूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। यही तो प्रभु का चमत्कार है, नया कार्य आपके लिए भी प्रभु करेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, यहोवा ने कहा है, इसलिए नाले खोद दिए। तब प्रभु को देखिए, उन्होंने पानी से भर दिए, 20वां वचन, और देश जल से भर गया। प्रभु ने जैसा कहा कर दिया। यही है नई बात, न हवा चल रही है, न बारिश है, लेकिन पानी भर रहा है। कैसे? प्रकृति से अपार कार्य करते हैं परमेश्वर। आप परिस्थिति देख रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि ये मेरे लिए छोटी सी बात है। कर्ज की समस्या है, इतनी बड़ी है। बीमारी, क्या भयानक बीमारी है। सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है, सोच रहे हैं, मैं कर सकता हूँ। तुझे नाला खोदना है, तू वो खोद, उसे कैसे भरना है ये मेरा काम है। कई साल पहले ईश छुड़ाता है सेवकाई में बहुत आवश्यकताएं थी, और उस परिस्थिति में पैसों की जरूरत के लिए हर काम में पैसा चाहिए होता था। पत्रिका की प्रिंटिंग के लिए पैसे, मिशनरीज को पैसे भेजने थे,
और उन दिनों रेडियो सेवकाई चल रही थी। रेडियो द्वारा सुसमाचार प्रचार करना, उसके लिए पैसा भरना, ऐसी बहुत सारी सेवकाई, सबके लिए जरूरतें और सेवकों को उनकी पगार देनी, तो बहुत ही संकट की परिस्थिति थी। तब प्रभु के समूह में बैठकर मैंने कहा, इतनी जरूरतें, इतने काम हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो प्रभु ने कहा, तू नाले खोद, मैं उन्हें भरूंगा। इस घटना के अनुसार कह रहे थे कि तू नाले खोद, मैं उन्हें भरूंगा। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना है? कहा कि तू प्रार्थना में परमेश्वर से कह, तेरा काम है नाले खोदना, प्रार्थना में कार्य बताना है और उन्हें भरने की जिम्मेदारी मेरी है। तब उपवास प्रार्थना आरंभ की, सेवकाई के लिए उपवास प्रार्थना। तब हर महीने पहले सप्ताह में कोई एक दिन पूर्ण उपवास रखकर सेवकाई के लिए प्रार्थना करते। अंत में सेवकाई की जरूरतें वो सब लिख लेते, इस महीने पत्रिका के लिए इतना चाहिए, मिशनरी सेवकाई के लिए इस महीने इतना चाहिए, रेडियो सेवकाई के लिए इस महीने इतना चाहिए, उसी तरह इस महीने सैलरी के लिए इतना चाहिए, बिजली के बिल के लिए इतना चाहिए, सेवकाई के लिए जो जो चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाकर वो प्रभु के पैरों में रखकर उपवास रखकर प्रार्थना में, प्रभु इन आवश्यकताओं को पूरा करना है, इन आवश्यकताओं के लिए चमत्कार करना है, यही है नाले खोदना। हमसे बस इतना ही हो सकता है कि हम नाले खोदें, उन्हें पानी से भरना, ये उनका काम है और ये केवल वही कर सकते हैं। अब देखिए, नाले खोद दिए और हरेक कार्य को बोलकर प्रार्थना की, और देखिए अद्भुत रूप से वो महीना खत्म होने से पहले ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। पत्रिका के लिए जो आवश्यकता थी वो पूरी हो गई, मिशनरी सेवकाई की जो आवश्यकता थी वो पूरी हो गई, सैलरी की जो आवश्यकता थी वो पूरी हो गई, बिजली का बिल भरने की आवश्यकता थी वो पूरी हो गई। हर महीने में पहले सप्ताह में हम उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं। हर सेवकाई की एक लिस्ट बनाकर ये चाहिए, टीवी सेवकाई के लिए हमें इतना चाहिए, बिल्डिंग के काम के लिए इतना चाहिए। नाले खोदना हमारा काम है, हम वो कर रहे हैं, और महीना पूरा होने से पहले ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो हम जब नाले खोदेंगे तो परमेश्वर उन्हें पानी से भर देंगे। आलसियों की प्रभु सहायता नहीं करते। तो आप सबसे पहले अपने कार्यों के लिए प्रार्थना करें, उपवास रखें और परमेश्वर को बताएं। इसी को कहते हैं नाले खोदना। तो आप उपवास रखें, आपको घुटनों पर बैठना है, आपको प्रभु को खोजना है। प्रभु को आप अपने कार्य बताएं कि मुझे इसके लिए इतने पैसे चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना चाहिए, EMI भरने के लिए इतना चाहिए, इस कार्य के लिए इतना चाहिए, बिजली का बिल भरना है। इन सब की एक लिस्ट बनाकर रेगुलर आप प्रार्थना करके देखें। नाले खोदें, उन्हें भरना उनका काम है, तब वो नए नए कार्य करेंगे। ये भी तो नया कार्य है ना, ना हवा दिख रही है, ना ही कोई वर्षा हो रही है, ऐसे में ये पानी कहाँ से आया? सारे नाले जल से भर गए, हर कोई पी रहा है, घोड़े पी रहे हैं, वहाँ पशु पी रहे हैं, सब लोग जल पी रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं। तो ये सब हुआ कैसे? ये प्रभु के द्वारा हुआ है। ये एक बड़ा कार्य है, आपके लिए भी करने वाले हैं। आपके कर्ज की समस्या बदलने और आपके पैसों की समस्याएं पूरी हों, आपके परिवार से बीमारियां दूर हो जाएं, आपके परिवार में सुख शांति फैले, आपके बच्चों के कार्य में एक मार्ग खुले, चाहे कैसा ही कार्य क्यों ना हो, प्रभु नए नए कार्य करने जा रहे हैं, नए नए चमत्कार करके वो आपको चमत्कार दिखा के प्रसन्न करने वाले हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर उसमें क्रिया कर सकते हैं। इसीलिए तो देखिए प्रभु ये वचन दे रहे हैं, ये नया कार्य कब होगा? यदि आप ऐसा सोचेंगे तो प्रभु क्या कहते हैं, देखिए यशाया 43वें अध्याय में 19वें वचन में, अभी प्रकट होगी, एंड नाउ, अभी आज ही आपके लिए नए कार्य होने वाले हैं। विश्वास रखते हैं ना? अभी प्रभु कह रहे हैं कि कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, इसी समय नाले खोदो, तुम्हारे लिए मार्ग खुलेगा, तुम्हारी कमियों की भरपूरी होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसी समय नाउ। आप विश्वास रखेंगे तो इसी समय नया कार्य होते देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु दो बातें कह रहे हैं। पहली है यशाया 43 का 18वां वचन देखें। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, तभी प्रभु नए कार्य करेंगे। प्रभु कह रहे हैं पिछली बातों को बोलकर घमंड मत कर, उन्हें तू भूल जा। पहले असफलता या जो धोखा खाया है और जीवन में जिससे कोई क्षति पहुंची है, उन सब को प्रभु के पांव में रखकर भूल जाओ।
पिछली बातों को याद मत करना, पिछली बातों को तुम्हें भूलना है। प्रभु के पैरों में रखकर पहले मुझे धोखा दिया, मुझे नुकसान हुआ, मेरे मन को ठेस पहुंची, दुख हुआ, आंसू बहाए, अपमान हुआ, सब तुम्हारे पैरों में रखता हूं और मैं उन्हें भूल जाता हूं। मेरा बुरा करने वालों को क्षमा करके मैं भूल जाता हूं। अब पिछली बातों को याद नहीं करूंगा। इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने विश्वासघात किया, ये सब याद कर करके आप अपना आशीर्वाद खो देते हैं। प्रभु कह रहे हैं वो सब तुम भूल जाओ, प्रभु के पैरों में रख कर तुम भूल जाओ, उन्हें याद मत करना, तभी प्रभु नए कार्य कर पाएंगे। बीती बातें और प्राचीन काल की बातें याद न करके उन्हें प्रभु के पैरों में रखकर यदि आप भूल जाते हैं तो नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नया मार्ग और नई भलाइयां आप देख पाएंगे। और दूसरी बात है, 22वें वचन में प्रभु कह रहे हैं, तो भी याकूब तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इसराइल तू मुझसे उकता गया है, तूने मुझे पुकारा नहीं, तू मुझसे उकता गया है। ये क्या, मैंने प्रभु को खोजा, उन पर विश्वास किया तो उकता गया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अपमान, निंदाएं और वेदनाओं के बीच रह रहा हूँ बोलकर मन जो है टूट जाता है। प्रभु कह रहे हैं तू मुझे देखकर पुकार, तेरे पुकारने पर मैं नए कार्य करूंगा। तो पिछली बातों को भूल जाए, प्रभु के दिए वचन को बोल कर पुकारे, मैं एक नई बात करता हूँ, तुमने कहा है मेरे लिए नया कार्य करो, जंगल में मार्ग बनाऊंगा, तुमने कहा है मेरे लिए मार्ग बनाओ, निर्जल देशों में नदियां बहाऊंगा, कहा है मेरे लिए प्रकृति से अपार एक चमत्कार करके आशीष देकर मेरी कमियों की पूर्ति करो। मैं पिछली बातें याद नहीं करूंगा, वो सब तुम्हारे पैरों में रख देता हूँ, मैं तुम्हें देखकर पुकार रहा हूँ, ऐसे पुकार कर देखिए चमत्कार होगा। अभी इसी समय उन्हें देखकर पुकारेंगे, प्रभु इसी समय से नए कार्य शुरू करने लगेंगे, आपके जीवन में नए मार्ग खुलने वाले हैं, नई भलाइयां आने वाली हैं, आप नया आशीर्वाद देख पाएंगे, नए नए कार्य प्रभु आपके लिए करने जा रहे हैं। अब प्रार्थना करें, ये वचन मेरे लिए ही है, प्रभु मेरे लिए नए नए कार्य करने वाले हैं, आई बिलीव दिस प्रॉमिस, इट्स फॉर मी, प्रभु अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस आई गोइंग टू रिसीव न्यू थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड, प्रभु की ओर से नए कार्य पाने वाला हूँ। इस आशा के साथ प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रभु नए कार्य करेंगे। हम प्रार्थना करें, परमपिता मेरी बातें सुनकर मेरे साथ प्रार्थना करने वाले ये भाई, ये बहन, ये माता, ये पिता, ये बच्चे, ये युवा, इन सब के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। तुम वचन दे के अपने वचन से बदलते नहीं हो, झूठ नहीं बोलते, अपने वचन अनुसार तुम नए कार्य करके प्रसन्न करना चाहते हो, इन बच्चों को नई भलाइयाँ देना चाहते हो। उसके लिए बीती बातें याद न करके उन्हें हम तुम्हारे पैरों में रखते हैं। अब बीती बातों को याद करके उनपे घमंड न करके निराश हुए बिना उन्हें हम तुम्हारे पैरों में रखते हैं। उन्हें पूरी तरह भुलाने की हम पर कृपा करो। देखो मैं नई बात कहता हूँ, जंगल में मार्ग बनाने वाले परमेश्वर, निर्जल देशों में नदियाँ बहाने वाले परमेश्वर, अपने दिए वचन अनुसार इस भाई के लिए, बहन के लिए नए कार्य करो, इनके लिए नए मार्ग खुल रहे हैं, नई भलाइयाँ इन्हें प्राप्त हो रही हैं, नए अभिषेक का सामर्थ्य इन पर उतर रहा है, नई सेवकाई के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, बच्चों के कार्यों में नए कार्य हो रहे हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, परिवार के हर एक कार्य के लिए नई भलाइयां करो, नया आशीर्वाद प्रदान करो, जंगल में नए मार्ग खुल जाएं, जहां कोई मार्ग नहीं वहां मार्ग खोलूंगा कहा है, बच्चों की नौकरी के लिए, विवाह के लिए, संतान सुख का आशीर्वाद, भलाइयों के लिए नए मार्ग खुले, नई भलाइयां ये देख पाए, यीशु मसीह के नाम से नए कार्य हो रहे हैं, निर्जल देशों में नदियां बहाऊंगा ऐसा तुमने कहा है, तुम्हारे बच्चे नाले खोद रहे हैं, प्रभु बच्चों की पढ़ाई और आवश्यकताओं की पूर्ति हो, अस्पताल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, हर एक कार्य में हम अद्भुत चमत्कार देख पाए वैसे नए कार्य करो, यीशु मसीह के नाम से हम नाले खोद रहे हैं, मैं खोद रहा हूँ, उसे तुम पानी से भरने वाले परमेश्वर हो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, कमियों की भरपूरी करो, इस कार्य में एक चमत्कार करो,
मैं नई बात करता हूँ, इस वचन अनुसार इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। आज ही करूँगा इसी समय खोदने के लिए तुमने कहा है। यीशु मसीह के नाम से इसी समय नए कार्य मेरे जीवन में शुरू हो जाएं, नई भलाइयां मेरे जीवन में पैदा हो, मेरे परिवार में, मैं जो काम करता हूँ, व्यापार करता हूँ, सब में नया कार्य होना चाहिए। अभी खोदो इस वचन अनुसार, इसी समय खोद रहे हैं, इसी समय नए मार्ग खुल जाएं, इसी समय अद्भुत चंगाई प्राप्त हो, इसी समय ये आशीर्वाद देख पाएं। तुम्हें देखकर हम पुकार रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से नए कार्य होने चाहिए। परमपिता, जो भी विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, उन सब बच्चों को इस वचन अनुसार आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। आज से ही तुम्हारी संतान नए कार्य देखने जा रही है, तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। हम तुम्हारी महिमा करते हैं, तुम्हारी ओर से हम नए नए कार्यों की अपेक्षा रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता, आमीन आमीन। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और नए कार्य भी कर दिए। विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर से नए कार्यों की राह देखें। रोजाना इस वचन को बोलकर आप प्रार्थना करें। हर रोज नया 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 आशीर्वाद और भलाइयां प्रभु प्रदान करते रहेंगे। यीशु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आमीन। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड प्रेयर सपोर्ट कॉन्टैक्ट जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, नालुमावडी, तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट, 628-211. Our phone number 0443545445. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.